दोस्तों आगे आप डिबेट में सुप्रिया सिन्हा द्वारा गोदी एंकर अंजना के साथ साथ बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी की भी सुपर धुलाई देखने वाले हैं। आज अंजना और बीजेपी सांसद ने मिलकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा को राम मंदिर पर घेरने की नाकाम कोशिश की, लेकिन सुप्रिया ने दोनों को एक साथ बहुत शानदार तरह से धोते हुए दोनों की एकदम हवा टाइट कर दी। और वीडियो के लास्ट में तो सुप्रिया ने बीजेपी सांसद को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी, इसलिए वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। एक गंभीर सवाल है और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की रणनीति आखिर है क्या? सीट शेयरिंग की फाइल अभी तक लटकी हुई है, जो आपको आप लोगों ने खुद ही बताया था कि दिसंबर तक एंड में हम डेडलाइन उसकी खत्म कर लेंगे। राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकल गए हैं, वहां वो कहते हैं 22 जनवरी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। दो सवाल है आपसे। सवाल पहला नंबर यही कि सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन शायद सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी हैट्रिक से रोकने के लिए, लेकिन उसमें फाइल आगे बढ़ नहीं रही है। दूसरा सवाल है कि किस बिसात पर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि राम और राम मंदिर से जो हिंदू वोटर है, वो लहर जो इस वक्त राम के नाम पर चल रही है, हिंदू वोटर उस लहर से अछूता रह जाएगा और 2024 में वो वोट डालेगा। रुको जरा, सबर करो। बात रामराज से शुरू करते हैं ना। आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहाँ पर, लेकिन रामराज पर नहीं आए। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखा कर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो युवा बेरोजगार है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर जीएसटी है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो, तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही, हमने लोगों से जो दिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। असलियत ये है अंजना जी कि आप या भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं उससे मुझे आपत्ति। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दंभ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है 4 महीने की चरम सीमा पर, महंगाई है कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है, शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे, हम ये चीजें नहीं खाते। आपके सीधे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल देना चाहती हूं। आज जनवरी की 16 तारीख हो गई और असलियत यह है कि गठबंधन की सारी बातें ना सार्वजनिक रूप से की जाती है, ना आज तक के स्टूडियो में बैठ के करूंगी। जो मकान खरीदे गए हैं पिछली बार की तुलना में वो 24% ज्यादा है। सामान्य मकान, जो लग्जरी मकान कहते हैं कि जिनकी 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कीमत होती है, उसमें 31% की वृद्धि हुई है। रोजगार की बात करते हैं कि जब इनकी सरकार थी उस समय 11 करोड़ ईपीएफओ इंप्लाई प्रोविडेंट फंड स्कीम के खाते थे, अब 27 करोड़ है। तो 16 करोड़ कोई ऐसा तो नहीं अपने आप किसी ने खाता खुलवा दिया और उसमें उसका नियोक्ता पैसा भी डालने लगा। हाँ, और एक बात और कह दूं, चलिए तो उसका जवाब था। आपने कहा हिंदू वोटर की चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है, इनको हिंदू वोटर थोड़ी चिंता है। इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि ये आंशिक सत्य बोला है। इन्होंने कहा वोटर को हिंदू मुसलमान में नहीं देखते, वोटर को हिंदू में नहीं देखते, क्योंकि हिंदू में अगड़ा पिछड़ा करना है, उत्तर दक्षिण करना है, तमिल हिंदी कर लेना है, बड़े आराम से कर लेंगे। इनका तो बहुत साफ सिद्धांत है, इनको हिंदू वोटर की चिंता नहीं करनी है। 20% अपना है, 80% में टुकड़े करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कहा? कारें ज्यादा खरीदी जा रही है, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। ITC और HUL 2 FMCG कंपनी है। मंजन तेल साबुन, जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है वो चीजें वो बेचती हैं। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। कंजम्पशन का मानक FMCG होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी विला नहीं होता। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था, अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। झूठ बोलते वक्त, आंकड़े कोट करते वक्त थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी अगर मलूक नागर जी का भी दर्द समझा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। राजस्थान में 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के, इनके 97 MLA पिछली बार जीत के आए थे 2018 में, 6 बसपा के समर्थन कर रहे थे। साहब एक कहावत होती है, हाथी को बांधना आसान है खिलाना मुश्किल है, मगर सोचिए खाना कितना मुश्किल है। ये आधा दर्जन हाथी खा गए। वो लोग बेचारे कहते रहे हम तो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, हमारी पार्टी क्यों गड़प कर ली। रुक, तेरे को बता। यहाँ पर हड़प कर सरकार चलाने वालों में
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे ये तो गजब ही हो गया। मतलब इससे बड़ी विडंबना और आयरनी क्या होगी, जो आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में पार्टी तोड़ तोड़ कर हड़प कर सरकारें चला रहे हैं, वो हड़प कर सरकार चलाने की बात करेंगे। आज राम राज्य की परिकल्पना पर मोदी जी चर्चा कर रहे थे। क्या है राम राज्य? कि एक प्रदेश को आप उसके हाल पर छोड़ दीजिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए जिससे जनता का विश्वास उठ चुका है। 8,000 के दो दो प्लेन है मोदी जी के पास, लेकिन एक बार मौका नहीं मिला कि 8 महीने में एक बार मणिपुर चले जाए। 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके मोदी जी, 80 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने इस दौरान में कर दी, मोदी जी ने एक नहीं करी, क्योंकि आप लोगों के सवालों से डरते हैं जो सवाल पूछे ही नहीं जा रहे। बिल्कुल कष्ट की बात है, आज 8 महीने हो गए मणिपुर की घटना को। मणिपुर के साथ ये न्याय है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक भी नोटिस मणिपुर सरकार के खिलाफ नहीं दिया। ये आपकी दलील है? अब दूसरी पूरी, 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 पूरी बात सुनिए, मगर शर्म की बात ये है, आपने हमने टंग बोली है, और शर्म की बात ये है कि केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस दिया, क्योंकि और फिर और शर्म की बात ये थी कि पिछले 8 महीने में एक मिनट का टाइम नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको कोई दलील देते हुए यहाँ पर, स्वीकारना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है आपसे। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, ये विश्वास प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर दिलाना चाहिए। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो मणिपुर में जाकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, वहां नोटिस नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या हो गया सुधांशु जी? भाई मैं कह रहा हूँ, आप मुझे पता है आपको मणिपुर के आधार पर दिल्ली की राजनीति बात कर रहे हैं आप, कुछ तो नैतिकता की धुरी में नैतिकता की तो बात कर रहा हूँ। जिस राज्य के खिलाफ प्रधानमंत्री 2,000 करोड़ के लेके घूमता रहे, अच्छा बताइए बाधा क्या है? क्या बोल रहे हैं मणिपुर सरकार के खिलाफ आपका कोई विधायक क्यों नहीं नोटिस दे रहा? थोड़ा तो दर्द दिखाइए, थोड़ा तो दिखाइए ना, थोड़ी तो सॉलिडारिटी दिल्ली के स्टूडियो में बैठने की बजाय बैठकर आप दलील दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली के स्टूडियो में दो बार मणिपुर हुआ है, हमने अपनी यात्रा मणिपुर से शुरू करी, हम उनकी बात संसद में बवाल है, मगर दिल्ली के मामले पर प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गंदी लड़ाई लड़ते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।